मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, ने मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था। उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अति को, चाहे अश्रफ को, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। तो आज का दिन उमेश पाल के परिवार के लिए भी बड़ा दिन था, जिसके लिए उमेश पाल अतीक के खिलाफ केस लड़ रहा था। उस केस पर आज बड़ा फैसला जो आया, जिसमें अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में भले ही उम्र कैद की सजा मिल गई हो, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद ऐसे में उमेश पाल की मां और पत्नी को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मां ने कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन आंसुओं के साथ सवाल भी उठा दिए। कह दिया कि अतीक जेल में भी रहकर कुछ भी करवा सकता है, उसको मिलनी चाहिए बस सजाए मौत। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, ने मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में दो मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे, तो बतलाइए जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाल उठ के वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ही हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में तीन तीन मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है, इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। तो माँ बेटे के संघर्ष को बताते बताते रोने लगती हैं और सीएम योगी से एक ही रट लगाती हैं। वहीं इस केस में कुल 11 आरोपियों में से 7 के बरी होने पर भी उमेश पाल का परिवार मानो सदमे में है, खास तौर पर अतीक के भाई अशरफ को लेकर। तो अब उमेश पाल की पत्नी हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है। निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज की बात वो कहती है, तो साथ ही सीएम योगी से बड़ी मांग भी करती है। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो, क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है, लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था, उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आ करके इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, हाई कोर्ट जी बिल्कुल। मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। जैसे मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें
खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं। मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। तो उमेश पाल का परिवार कहता है कि अभी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके में जिस वक्त उमेश पाल पर अटैक हुआ था, वो इसी मामले की सुनवाई से लौटे थे, और अब तक उनकी हत्या के मुख्य आरोपी और वो तमाम शूटर फरार हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।